Karam prasannam jnana swarupam nija bodharupam yogendra medyam bhavaroga vaidyam Srimad Gurum Nityamaham Namami Yasyam Gripankaj Parag Paraprabhavad Bhutva Kriti Kriti Matam Sriti Macharami Taṃ Sadguruṃ Satata Sarva Sukhaṃ Shadagriyam Vande Sadā Vimala Bodha Ghanam Vichitram Vandam Guru Pada Kanj Kripa Sindhu Nararupa Hari Mahamohatam Punjajasuvachanaravikarnikar Mera mujhme kuch nahi Jo kuch hai sav tor Tera tujhko saupate Kya lagega mor मंच पर पधारे सम्माननीय साधु समाज मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद माताओं तथा बहनों कल मैंने आप लोगों को केनोपनिषद का एक मंत्र सुनाया था इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदि हावे दीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास माल्लोकाद् मृता भवन्ति यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है और यदि नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है इस जन्म से तात्पर्य मनुष्य जन्म से परम प्रभु परमात्मा ने सृष्टि चक्र बनाया है जिसमें 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं इस चक्र का अंतिम शरीर मनुष्य का शरीर कहलाता है हम लोग क्रम क्रम से 84 लाख शरीरों में भटकते हुए इस जन्म में मनुष्य शरीर में आए हैं यह शरीर हमको किस लिए मिला है यदि इतनी बात भी हम इस कुंभ मेले में आकर समझ लिए यहां आना सार्थक हो जाएगा मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य क्या है मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है
कम से कम इतना भी ज्ञान हो जाए तो भी यहाँ आने का बहुत लाभ। लेकिन यह देश इतना धर्मांध है कि धर्म के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाता, धर्म के बाह्य आडंबर में उलझ उलझ कर मनुष्य धर्म के क्षेत्र से बहुत दूर चला जाता है। सारे जीवन झूठ बोलते हैं, चोरी का काम करते हैं, अनेक प्रकार के नशाओं का सेवन करते हैं, मन वचन कर्म से दूसरे को दुख देते हैं, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाह से देखते हैं, दूसरे की निंदा शिकायत करते हैं, और भी बहुत तरह के पाप कर्म करते हैं। इतना सब करते हुए किसी धार्मिक स्थल पर आते हैं, नदी में स्नान कर लेते, थोड़े बहुत पैसे का दान कर देते, कहीं मंदिर में जाकर किसी प्रतिमा का दर्शन कर लेते, बस विश्वास कर लेते कि हमारा सब पाप खत्म हो गया। पर जब वह फिर से अपने स्थान पर जाता है तो जो सब कर्म पहले कर रहा था उसी कर्म में लग जाता है। फिर एक साल तक तमाम अशुभ कर्मों को करता, फिर किसी तीर्थ में जाकर वही सब कर्म कर लेता, बस विश्वास हो गया सब पाप खत्म हो गया। पाप खत्म हो गया इसका क्या प्रमाण है? पुण्य की प्राप्ति हो गई इसका क्या प्रमाण है? यहाँ पर बहुत सारे भक्तों ने नदी में स्नान किया है, यहाँ पर बहुत सारे भक्तों ने मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन किया है और हौसले बुलंद करके बैठे हुए हैं, मेरा सब पाप खत्म हो गया। मैं पूछता हूँ, क्या प्रमाण है जो आप बोल रहे मेरा पाप खत्म हो गया? बोलने से खत्म हो जाएगा? केवल कोई बोल जाए कि मेरा पेट भर गया तो बोलने से पेट नहीं भर जाएगा, कुछ खाना भी पड़ेगा। उसी तरह से मेरा पाप खत्म हो गया यह बोलने से होगा कि इसका कुछ प्रमाण भी है? बिना प्रमाण के किसी की बात को नहीं मानिए। जिस भारत की पवित्र भूमि पर सृष्टि के अनादि काल से एक संत महापुरुष ऋषि मुनि महात्मा पीर पैगंबर औलिया अवतरित होकर के आए, जिस पवित्र भारत की भूमि पर एक दिव्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, वेद शास्त्र पुराण स्मृति संहिता दर्शन रामायण आदि, ऐसे भारत की भूमि पर जन्म लेकर व्यक्ति धर्म के रहस्य को नहीं समझ सके, धर्मांध हो जाए, धर्म के मर्म को नहीं जान सके, पाप और पुण्य को भी नहीं समझ सके, जीवात्मा और परमात्मा का भी निर्णय नहीं कर सके, ईश्वर परमात्मा के विषय में सुनकर भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, इस जन्म को धारण करना, इस भारत की भूमि पर उद्भूत होना, मैं तो समझता हूँ व्यर्थ है।
संत महापुरुषों ने बतलाया है पाप के चार रूप होते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ये चारों रूप जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन समझेंगे पाप खत्म हो गया। पाप का पहला रूप है अंधकार। यहाँ पर बाहर के अंधकार की बात नहीं है, भीतर के अंधकार की बात है। शरीर अंधेरी कोठरी में है उसकी बात मैं नहीं करता, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या है उसे देखना है। हम अपना अनुभव बाहर में नहीं कर सकते, हम अपना अनुभव शरीर के अंदर में ही कर सकते हैं। जब हम आँखों को बंद करते हैं क्या देखते हैं? कुछ नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि हम शरीर में नहीं हैं? शरीर में हम हैं, लेकिन इतनी उम्र बीत गई, इतने युग बीत गए, आज तक शरीर में रहने वाले को देखा? जब हम अपने को ही नहीं देख पाए फिर हम ब्रह्म को कैसे देख लेंगे? जब हमें अब तक बूंद का ज्ञान नहीं हुआ फिर हम समुद्र का ज्ञान कैसे कर पाएंगे? मंदिर में जाकर दर्शन करते किसका? भगवान का, ईश्वर का। भगवान, ईश्वर, परमात्मा ये समुद्र के समान है। दर्शन करने वाला कौन है? हम हैं जीव, हम बूंद हैं। अब तक हमने अपने को भी नहीं देखा, बूंद को भी नहीं देखा कि बूंद है कैसा, चले हैं समुद्र को देखने के लिए, समुद्र का पता लगाने के लिए। एक सूफी संत ने लिखा, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। मुझे बड़ी खुशी होती है इस शिविर के ठीक सामने ही आर्य समाज का शिविर लगा हुआ है, मेरे ठीक सामने दयानंद सरस्वती का चित्र है। ये जब गए थे बिरजानंद सरस्वती से मिलने के लिए, वे प्रज्ञा चक्षु कमरे के अंदर चिटकनी लगाकर बैठे हुए थे। इन्होंने बाहर से किवारी को खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन हो? इन्होंने बतलाया, यही तो जानने के लिए आया हूँ, आपके पास आने का यही उद्देश्य कि मैं कौन। सारे जीवन में न जाने किस किस को जानने का प्रयास नहीं किया, हाथ को जानते हैं, पैर को जानते हैं, आँख को जानते हैं, मुंह को जानते हैं, अपने शरीर के सारे अवयवों को जानते हैं, दूसरे शरीर के सारे अवयवों को जानते हैं, सारे संसार के विषयों को जानते हैं, लेकिन युग बीत गए इस शरीर में रहते रहते पर अपने को नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। भगवान राम कहते हैं, अधित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान अनेक सह ब्रह्म तत्वं न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। वह जिन्होंने चारों वेद, छहो सात, अठारह पुराण सब कुछ को जान लिया पर अपने आप को नहीं जान पाया, जैसे कलछी समग्र पदार्थों में घूमती है पर किसी का स्वाद नहीं बतला सकती, वैसे ही वह मनुष्य है जो सब कुछ जानता और खुद को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं। हम इस शरीर में रहते हैं लेकिन हम अपने को नहीं देखते, क्यों नहीं देख पाते?
क्या बात है कि हम अपने को अंदर में नहीं देख पाते। देखना होता है प्रकाश में, अंधेरे में देखने की क्रिया नहीं होती है। जब तक अंदर में प्रकाश नहीं होगा तब तक अंदर में क्या सब है वह नहीं दिखेगा। बाहर के प्रकाश में बाहर की चीज़ों को देखते हैं, अंदर के प्रकाश में हम अपने को देखेंगे, अंदर की चीज़ों को देखेंगे। कोई ऐसा प्रयास नहीं हो रहा है जिस प्रयास के द्वारा अंदर में प्रकाश हो। हमारी सरकार ने बाह्य जगत को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश का कितना जबरदस्त साधन बना रखी है। पर हम अपने अंदर को प्रकाशित करने के लिए बाहर के प्रकाश का साधन नहीं बना सकते। अपने अंदर को प्रकाशित करने के लिए तो अपने से ही कुछ करना पड़ेगा। पहुँचे हुए संत सद्गुरु केवल मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन अंदर को प्रकाशित करने के लिए अपने से कुछ करना पड़ेगा। अप दीपो भव, अपने अंदर को प्रकाशित करने के लिए अपने को दीपक के समान बनाओ। हम बाह्य प्रकाश में भटक रहे हैं, बाह्य प्रकाश से अपना ज्ञान कभी नहीं होगा। रास्ता सूझेगा, अगल बगल में क्या है वह दिखेगा, कहाँ कौन चल फिर रहे हैं वह सब नज़र आएगा। बाह्य संसार का ज्ञान बाह्य प्रकाश से होगा, लेकिन अंदर के संसार जो बाहर के संसार से बहुत अधिक विस्तृत है उसका ज्ञान कभी नहीं होगा। उसके लिए तो अंतःकरण को प्रकाशित करना पड़ेगा। हमारे अंदर का प्रकाश कहाँ चला गया? शरीर छूते हैं, शरीर गर्म मालूम पड़ता है, इससे सिद्ध होता है हमारे अंदर में गर्मी है, प्रकाश है, आग की भट्टी है, लेकिन वह प्रकाश दिखता क्यों नहीं है? अंदर में कहाँ क्या है कुछ नज़र क्यों नहीं आता है? धर्म ग्रंथ बतलाता है सब देवता इसके अंदर में, सब तीर्थ इसके अंदर में, सारे शास्त्र इसके अंदर में, पर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। जिस दिन हमारे अंदर के सब कुछ दिखने लग जाएंगे उस दिन हम समझेंगे कि मेरा पाप खत्म हो गया। अंधकार खत्म हुआ, समझ लीजिए कि पाप खत्म हो गया। जिसके होने से सब कुछ के रहते हुए कुछ नजर नहीं आए उसी को पाप कहते हैं। वह पाप का पहला रूप है। मैं नहीं किसी का खंडन मंडन करता, लेकिन प्रमाणिक बातों पर ही विश्वास करता हूँ। जब तक हम आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं, जब तक हमें अपने अंदर का कुछ भी ज्ञान नहीं, तब तक किसी भी नदी में डूबे रहें, किसी भी धार्मिक स्थान पर बैठे रहें, याद रखें हमारा पाप क्षय नहीं हुआ है। घर में बैठे बैठे ही यदि अंदर का अज्ञान अंधकार दूर हो जाए, आत्मदर्शन होने लग जाए, ब्रह्म दर्शन होने लग जाए, अंदर की सब चीज़ों का पता चल जाए, तो समझ लीजिए हम घर बैठे ही तीर्थ में बैठे हैं। हमारा तो प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन तीर्थ रूप हो जाए, प्रत्येक जीवन मनुष्य तीर्थ के समान हो जाए। आपको कहीं जाना नहीं पड़े, आपका जीवन इतना पवित्र, इतना विशुद्ध, इतना निर्मल हो जाए कि दुनिया आपका दर्शन करने के लिए आए। बहुत महापुरुष ऐसे हुए जो तीर्थों में नहीं थे, कहीं से कहीं बैठकर उन्होंने भजन किया और उसी स्थान को उन्होंने तीर्थ बना दिया। भजन करने से तीर्थत्व प्राप्त होता है,
जब तक अंदर का पाप खत्म नहीं होगा तब तक आप में पवित्रता आ नहीं सकती। जब तक आप पवित्र नहीं होंगे तब तक आपका जीवन तीर्थ रूप नहीं बनेगा, आप तीर्थ को भी जाकर मलिन बना देंगे। तीर्थ को मलिन बनाने वाले सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं, गंदगी फैला फैला करके यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ कोई भी आकर पवित्रता का संचार नहीं करके जाएंगे। पवित्रता का संचार तो उनके द्वारा होगा जो यहाँ बैठकर भजन के द्वारा उस आग को पैदा करेंगे, जिस आग से सारे पाप ताप संताप जल करके स्वाहा हो जाते हैं। पाप का पहला रूप स्मरण में रखिए, जब तक अंदर में अंधकार है। पहला रूप अंधकार के रहते आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। पाप का दूसरा रूप मन की चंचलता, जैसे ही भजन पर बैठते हैं वैसे ही मन का खेल शुरू होता है। एक मिनट भी स्थिर होता है महाराज मन नहीं लगता, मन भाग जाता है, मन न जाने कहाँ का कहाँ चला जाता है। रोटी खाने में मन लगता है, सोने में मन लगता है, दुकान पर बैठने में मन लगता है, दफ्तर में मन लगता है। जब भजन की बारी आती है तब मन को क्या हो जाता है बताइए। महाराज भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन क्यों नहीं लगता? भगवान श्री राम का वचन है, पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ। पापी मन का यही स्वभाव है, उसको भजन अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन का यही स्वभाव है, उसे संसार अच्छा नहीं लगता। जब संसार का विषय अच्छा नहीं लगे, संसार का सुख अच्छा नहीं लगे, तब समझिए हमारा मन निर्मल हो गया। और जब तक भजन अच्छा नहीं लगे तब तक समझिए मन मलिन है। हमारा मन भजन में क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही हमारे मन को भजन में लगने नहीं देता। खंडन मंडन में नहीं करता, प्रामाणिक बातों पर चलता हूँ। मंदिर में बैठे रहिए और अपने मन को देखिए कि मन स्थिर है कि नहीं है। मंदिर में जो भगवान का जैसा भी रूप है, पत्थर का है, मिट्टी का है, उसकी तरफ देखिए। उसको देखने पर यदि आपका मन स्थिर हो गया तो समझिए कि मन निर्मल हो गया। सुनी सुनाई बात पर कभी विश्वास नहीं करिए, अप्रमाणिक बात पर कभी विश्वास नहीं करिए। भगवान का दर्शन हो और मन स्थिर नहीं हो, यह बात समझ में नहीं आती। आज हमारी कुटिया में एक दो पुस्तकें कोई ला करके दिया है। एक पुस्तक में मैंने देखा, असली गुरु वे हैं जो दीक्षा देते समय ही ईश्वर का दर्शन करा दे। जप करना बाद में, ध्यान लगाना बाद में, तीर्थ करना बाद में, सत्संग करना बाद में, जो भी शुभ कर्म सत्कर्म करना है वह सब बाद में करना, पहले ईश्वर का दर्शन कर लो। बड़ा भारी शिविर भी लगा हुआ है, मैं कहता हूँ आप लोग जाइए, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं कह पाऊंगा कि मैं ईश्वर का दर्शन करा दूंगा। कल आप लोग सारे के सारे जाइए,
जो यह कह रहा है कि पहले दिन ईश्वर का दर्शन करा दिया जाता है, ईश्वर का दर्शन करके आइए और मैं आप लोगों को कल शाम में थर्मामीटर लगाऊंगा। ईश्वर का दर्शन हो गया है, मैं थर्मामीटर लगाऊंगा। ईश्वर के दर्शन होने पर क्या सब होता है वह भी तो देखा जाएगा। भूत का दर्शन किसी को हो जाता है तो आदमी भयभीत हो जाता है, उस दर्शन का भी मन के ऊपर कुछ असर होता है। चोर को देखने पर आदमी के मन पर उसका असर होता है, अरे यात्रा पर चोर मिल गया। डाकू को देखने पर मन पर असर होता है। जैसा दृश्य हम देखते हैं उन दृश्यों का हमारे मन के ऊपर असर होता है, और ईश्वर का दर्शन हो जाए और हमारे मन पर कोई असर नहीं, ईश्वर से भी बढ़कर कोई चमकीला हो सकता है, ईश्वर से भी बढ़कर कोई प्रकाशमान हो सकता है, ईश्वर से भी बढ़कर कोई पवित्र हो सकता है, ईश्वर से भी बढ़कर कोई ज्ञानवान पदार्थ हो सकता है। समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा को ही ईश्वर कहते हैं, कल चर्चा हुई थी। ऐसे ईश्वर का दर्शन कोई करे और उनकी मनोवृत्ति बदले नहीं, मन में काम उत्पन्न हो ही रहा है, क्रोध उत्पन्न हो ही रहा है, लोभ मोह उत्पन्न हो ही रहा है, अहंकार द्वेष उत्पन्न हो ही रहा है, अनेकों प्रकार के सांसारिक कर्म हो ही रहे हैं, और ईश्वर का दर्शन भी हो गया। समाज को इस कदर भ्रमित किया जा रहा है। यदि आप लोग भारतीय संस्कृति के समस्त सदग्रंथों का सही ढंग से किसी महापुरुष से अध्ययन करेंगे, आपकी भ्रांति दूर हो सकती है। मन चंचल है, यह क्यों चंचल है? हमारे मन को कौन चंचल कर रहा है? हम जो झूठ बोल रहे हैं वही झूठ हमारे मन को हिलाता है। चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, अनेकों प्रकार का शुभ कर्म जो हमारे से होते हैं, वे अशुभ कर्म ही हमारे मन को भजन में स्थिर होने नहीं देता। शुभ कर्म जितना होगा वह आपके मन को शुभ कर्म में उतना ही अधिक लगाएगा। शुभ कर्म से मन की स्थिरता बढ़ती है, अशुभ कर्मों से मन की चंचलता बढ़ती है। आप दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, आपका मन स्थिर हो नहीं सकता है। मन की स्थिरता का मार्ग आपके अंदर में है। नौ द्वार जो है वह पाप का खजाना है, दसवां द्वार जो है वह पुण्य का खजाना है। नौ द्वार से जब तक कि आपका मन दसवां द्वार में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक इसमें स्थिरता आ नहीं सकती है, तब तक यह मन निर्मल हो नहीं सकता है। पापी का मन नौ द्वार से दसवां द्वार में प्रवेश कर नहीं सकता, क्योंकि पापी का मन फैला हुआ होता है, संसार में बिखरा हुआ होता है, विषयों में फंसा हुआ होता है, वह निर्विषय तत्व की ओर अग्रसर हो नहीं सकता है। जन्म जन्म का पाप ही हमारे मन को चंचल करता है। पाप का तीसरा रूप जीवन में आने वाले बहुत तरह के विघ्न। आप सिनेमा देखने के लिए जाएंगे कोई विघ्न नहीं आएगा, सर्कस देखने के लिए आएंगे कोई विघ्न नहीं, दुनिया के किसी भी कामों में जाएंगे उतना विघ्न नहीं, लेकिन भजन करने के लिए बैठे हजारों विघ्न, सत्संग में आने में हजारों विघ्न, महापुरुषों की शरण में जाने में हजारों विघ्न, सत्कर्म शुभ कर्म करते समय जीवन में जो अनेकों प्रकार के विघ्न आते हैं, जिन विघ्नों के कारण शुभ कर्म सत्कर्म हो नहीं सकता, वही विघ्न पाप का तीसरा रूप है। और शरीर में होने वाले अनेकों प्रकार के असाध्य रोग,
पाप का चौथा रूप है। जो रोग दवाई से छूट जाए, चिकित्सा से छूट जाए, डॉक्टर वैद्यों के द्वारा छूट जाए, वह रोग समझिए देह जन्य है, देह से उत्पन्न हुआ है, पथ्यापथ्य के कारण उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो रोग लाख प्रयास करने पर भी दूर नहीं हो, छूटे नहीं, समझिए वह रोग पिछले कर्म के अनुसार हमारे शरीर पर आया हुआ है। सारी दुर्दशा कराए बगैर छूटेगा नहीं। तो अंदर का अंधेरा, मन की चंचलता, जीवन में आने वाले अनेकों प्रकार के विघ्न और असाध्य रोग, ये चारों यदि हमारे जीवन में नहीं हैं तो समझिए हम सच्चे पुण्यात्मा हैं। यही पुण्यात्मा पुरुष का लक्षण है, उनके अंदर में ये चारों दोष नहीं होते। आप तीर्थ में बैठकर ऐसा अपने में अनुभव कर लीजिए, नदी में बैठकर ऐसा अनुभव कर लीजिए, दुनिया में कहीं भी जाकर ऐसा अनुभव कर लीजिए, आप पुण्यात्मा हैं। यहाँ स्पष्ट बतलाया जाता है, ये सब अशुभ कर्म का साम्राज्य जब तक आपके साथ में है तब तक आप पुण्यात्मा नहीं हो सकते। दान जो है वह बाह्य शुभ कर्म है, तीर्थ जो है वह बाह्य शुभ कर्म है, यज्ञ जो है वह बाह्य शुभ कर्म है, व्रत उपवास जो है वह बाह्य शुभ कर्म है, ये सब के सब बाह्य शुभ कर्म हैं। लेकिन अंदर ही अंदर नाम का स्मरण करना, अंदर ही अंदर अपने इष्ट के रूप का चिंतन करना, अंदर के मार्ग पर चलना, ये अंदर का सत्कर्म है। इन सत्कर्मों के द्वारा मन शुद्धि होती है, पाप की शुद्धि होती है। पाप जहाँ है वहाँ अपने को पहुँचाना होगा, वहाँ कोई क्रिया करनी होगी। पाप कहीं है और खिचड़ी कहीं पका रहे हैं, इससे आपका पाप दूर नहीं होगा। यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला हुआ है, 84 लाख योनियों में भटकते 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 2 अरब वर्ष के बाद हाथ लगा है। अब इस मनुष्य जीवन से ऐसा शुभ कर्म सत्कर्म हो जाए कि जिसके द्वारा वह 84 का चक्र इसी जन्म में बंद हो जाए, नहीं तो फिर यदि वह चक्र चल गया तो 2 अरब वर्ष भटकते रहना पड़ेगा। यह मनुष्य जीवन मिला है 84 के चक्र को सदा के लिए बंद कर देने के लिए। और आप एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए, जान लीजिए, कोई भी ऐसा कर्म हमारे से बाकी नहीं है। संसार के सारे कर्म करके हम लोगों ने देख लिया है, अब तक सच्चा सुख नहीं मिला। दुनिया की सारी जगह घूम चुके हैं, इस जन्म में जहाँ नहीं गए हैं पिछले जन्म में गए होंगे। कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं जहाँ मेरा जन्म नहीं हुआ है, दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मेरा शरीर नहीं छूटा है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ यह जीव नहीं घुमा हुआ है। सारे कर्म कर चुके हैं, सब जगह जा चुके हैं, सब शरीरों में भटक चुके हैं, कोई भी कर्म अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए करने के लिए हम छोड़े नहीं हैं। बस अब एक ही कर्म बचा हुआ है, उस कर्म को मनुष्य जीवन में कर लीजिए और अपने जीवन जन्म को धन्य बना लीजिए। उसी कर्म के लिए उपनिषदकार कहते हैं, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। जिस
दुखों को भोगते भोगते जिस 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाते लगाते इस मनुष्य जीवन में आए हैं, यदि ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ तो वह चक्कर फिर से चालू हो जाएगा, फिर से वह चक्कर घूमेगा। 84 लाख भ्रम के पाँव पर अटके आए, अब की पाशा ना पड़े फिर 84 जाए, और चक्र फिर से घूम जाएगा और फिर पता चलेगा कितना आनंद है। इस मनुष्य जन्म में बस एक ही काम करना है, वह कौन सा कर्म, जो कर्म अब तक नहीं कर पाए। सब कुछ को जान लिए लेकिन अपने बनाने वाले को जान पाए कि मेरे को किसने बनाया है। सब का ज्ञान कर लिए लेकिन जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है उसका ज्ञान कर पाए। माता के गर्भ में जब हम थे कितना कष्ट हमें हो रहा था, उस कष्ट का वर्णन अभी कोई नहीं कर सकता। जब वहीं फिर से पहुंचेंगे तब उस कष्ट का अनुभव होगा। बस इतना ही समझिए कि कुंभी पाक नामक नरक में जितना कष्ट जीव को होता है उससे 10,000 गुना अधिक कष्ट माता के गर्भ में बालक को होता है। किस स्थिति में यह जीव माता के गर्भ में पड़ा रहता है जीव ही जानता है। उस समय एक एक क्षण इस जीव को कल्प के समान बीतता है। क्षण क्षण में यह परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस घोर कष्ट से हमें कब बाहर निकाला जाएगा। परमात्मा उस समय ज्ञान देते हैं, तुम इस कष्ट से क्यों बाहर निकलना चाहते हो। जीव कहता है सुख के लिए, आनंद के लिए, हे प्रभु यहाँ ना सुख है ना आनंद है, क्षण क्षण कल्प के समान बीत रहा है। भगवान कहते हैं जब तू यहाँ आता है तब तू कष्ट के लिए रोता है कि कष्ट से बाहर निकालो, और जब मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ तब कौन सा काम करते हो। फिर तो वही काम शुरू हो जाता है जिस काम के द्वारा इसी कष्ट में आना पड़ेगा। महाराज जो हुआ सो हुआ, उसके लिए तौबा करता हूँ, बस इतनी कृपा करो कि इस बार मुझे इस घोर नरक के कष्ट से बाहर निकालो। भगवान ने कहा बाहर निकल कर क्या करोगे। उस वक्त जीव ने परमात्मा से प्रतिज्ञा की है, देवहूति कपिल संवाद में लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, पढ़ लीजिए आप लोग। भगवान से इस जीव ने प्रतिज्ञा की है, हे प्रभु यदि इस कष्ट से मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा तो मैं आपका इतना भजन करूँगा, इतना भजन करूँगा, दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। भगवान ने कहा एक बात तुम बोल कर जाओ, यदि मेरा भजन नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा सो बता, सो यहाँ बता करके जाओ। जीव ने कहा प्रभु आप ही कहो, मैं क्या आपसे बताऊँ। भगवान ने कहा तो मेरे से यह बता करके जाओ, यदि मैं भजन नहीं करूँगा तो फिर से यहीं पहुँचा देना। भगवान ने यह प्रतिज्ञा करा लिया है, भगवान से प्रतिज्ञा करके हम लोग इस संसार में आए हैं, मैं आपका भजन इतना करूंगा कि 84 का चक्र खत्म कर दूंगा, दोबारा 84 का चक्र नहीं भोगना पड़े। लेकिन यहाँ आने पर महाराज समय कहाँ मिलता है, समय कहाँ मिलता है, जिस काम के लिए दुनिया में आए उसी काम के लिए फुर्सत नहीं। पता चलेगा भगवान प्रतिज्ञा करा लिए हैं, भगवान सर्व सामर्थ्यवान हैं। कल मैंने सुनाया था करालम महाकाल कालं, कराल
काल के लिए भी जो महाकाल हैं, जो काल किसी को नहीं छोड़ता, उस काल को भी जो निगल जाते हैं उसी को परमात्मा कहते हैं। लोकपाल, जमकाल, पवन, रवि, शशि सब आज्ञाकारी, जिनकी आज्ञा में सब के सब हैं, ऐसे वे परमात्मा हैं। परमात्मा से हम लोग प्रतिज्ञा करके आए हैं कि हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दोगे तो हम आपका इतना भजन करेंगे कि दोबारा इस कष्ट में नहीं आना पड़े। प्रतिज्ञा को यदि हम पूरी नहीं करते हैं तो साधारण सामर्थ्यवान परमात्मा नहीं, घसीट करके फिर उसी महादुख में डाल देंगे। उपनिषदकार कहते हैं, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि प्रतिज्ञा का पालन हो गया तब तो आनंद ही आनंद है, और प्रतिज्ञा का पालन नहीं हुआ तो सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा प्रतिज्ञा परिपालन नहीं करने के कारण फिर उसी महादुख में डाल देंगे जिस दुख से इस मनुष्य जीवन में आए हैं। अब बात है ब्रह्म को जानने की। जानना दो तरह से होता है, परोक्ष रूप में और अपरोक्ष रूप में। सुन करके जानना और देख करके जानना। सुना हुआ ज्ञान कमजोर होता है, देखा हुआ ज्ञान मजबूत होता है। कोई मुंबई के विषय में सुना है कि मुंबई शहर ऐसा है, कोई जाकर के देखा है, दोनों के कहने में बहुत अंतर है। केवल पुस्तक पढ़कर, मुंबई की नक्शा पढ़कर मुंबई की बात बता रहा है वह कमजोर ज्ञान है, वह सिद्ध नहीं कर सकता है। यहीं पर वह सब चीज है, समयानुसार वह स्थान बदल सकता है, वहाँ पर की चीज़ें बदल सकती हैं। 10 साल पहले मुंबई में जहाँ जो कुछ देखा था, आज मैं देखता हूँ वहाँ पर और कुछ बनी हुई है। तो सुना हुआ ज्ञान कमजोर होता है, देखा हुआ ज्ञान मजबूत होता है। संत कबीर साहब से कुछ पंडितों ने काशी में पूछा, महाराज आप भी धर्म का प्रचार करते हो, मैं भी धर्म का प्रचार करता हूँ, मेरे में आप में क्या अंतर है, दोनों तो बराबर ही हैं। कबीर साहब ने कहा, बराबर हैं, हम दोनों में बहुत अंतर है। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरे मन में और तुम्हारे मन में बहुत अंतर है, दोनों एक कैसे हो जाएगा। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू पुस्तक पढ़कर ब्रह्म के विषय में बोलता है, मैं भजन के द्वारा अंदर में देख करके बोलता हूँ। मैं कहता सुरझावन हारी, तू जाता उरझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत बड़े बादशाह हुए थे इस धरती पर, जिसका नाम था मोहम्मद गोराई। उनके सामने से जो भी महात्मा गुजरता था, उनसे उनका एक ही प्रश्न होता था, आपने ईश्वर को देखा है। कौन कहेगा कि मैंने ईश्वर को देखा है। ईश्वर कोई मिट्टी की मूर्ति है, ईश्वर कोई पत्थर है, ईश्वर कोई इंद्रिय ग्राही पदार्थ है कि आँख से देख लिया जाएगा, हाथ से छू लिया जाएगा। अंधे लोगों को मन में होता है कि मैंने ईश्वर को छू लिया, ईश्वर को देख लिया। देखा जाता है विषयों को, जो निर्विषय तत्व परमात्मा है उसका अनुभव होता है, ईश्वर का अनुभव होता है। यदि देख लिया फिर तो वह पदार्थ हो गया, कोई वस्तु हो गई। जिस तरह से संसार के पदार्थों को हम देखते हैं, उसी तरह से ईश्वर को नहीं देखना होता है।
उनका अनुभव होता है और ईश्वर को देखने वाला फिर ईश्वर से अलग नहीं रह जाता, वह चौरे होकर के बताएगा कि ईश्वर ऐसा है, जो बता रहा कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, वह दुनिया को मूर्ख बना रहा है। गई पुतली लोन की था समुंदर लेन, आपा गली पानी भई कौन कहे अब बैन। नमक की पुतली समुद्र की तलहटी का पता लगाने के लिए गई, जाते जाते समुद्र में गलकर समुद्र बत हो गई। अब वह कैसे बताएगी समुद्र में कितनी गहराई है, वह समुद्र में ही मिल गई। बहुत बार मैंने सत्संग में सुनाया है, आप अपने बेटे को देख लेंगे तो बेटा ही नहीं बन जाएंगे, आप अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएंगे, आप अपने घर को देख लेंगे तो आप घर ही नहीं बन जाएंगे, आप दुनिया की किसी भी चीज़ों को देख लेंगे तो आप वही नहीं हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा की विशेषता है, जिस दिन परमात्मा का दर्शन कर लेंगे उस दिन परमात्मा ही बन जाएंगे। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्तिक विशारदूल ब्रह्म स्व ब्रह्मविद स्वयं। दर्शन अदर्शन को छोड़कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। कबीर साहब से भक्तों ने पूछा, बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा। वह अगम अगोचर परमात्मा कैसा है, कोई आदमी की तरह है, पत्थर की तरह है, पानी की तरह है, सारी दुनिया जो भगवान का दर्शन कर रही है क्या वैसा ही भगवान है? कबीर साहब ने कहा, जो दिशे सो तो है नहीं, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में आ रहा है, जो इस चर्म चक्षु से दिख रहा है, वह ईश्वर नहीं है। आप लोग मान जाइए इस बात को, नहीं मानिएगा तो किसी के कहने पर कह दीजिए कि मैंने देख लिया, बाद में पछताइएगा। आप इस बात को मान लीजिए कि इंद्रियों से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है, और इस बात को भी आप मान लीजिए ईश्वर का दर्शन दूसरा कोई नहीं कर सकता, एकमात्र आप ही कर सकते हैं। बाप के धन पर पूर्ण अधिकार बेटे का होता है, गुरु के वैभव पर पूर्ण अधिकार शिष्य का होता है, उसी तरह से परमात्मा दर्शन का अधिकार परमात्मा का जो बेटा या जीवात्मा है उसी को होता है, दूसरे को नहीं। परमात्मा दर्शन का अधिकार एकमात्र विशुद्ध चेतन आत्मा को है। शरीर का संग छूट करके, इंद्रियों के संग से मुक्त हो करके, सारे विकारों से मुक्त हो करके, तीनों गुणों से मुक्त हो करके, प्राकृतिक सारे आवरणों से मुक्त हो करके, विशुद्ध चैतन्य अवस्था में जो दर्शन होता है उसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं। और उस दर्शन के बाद फिर दर्शन के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता, और दृष्टा दृश्य में कोई भेद नहीं रह जाता। जो दिशे सो तो है नाहीं, है सो कहान जाई, सैना बैना कही समझाओ गुंगे का गुड़ भाई। जैसे गुंगे व्यक्ति को मीठा खिला दिया जाए तो वह बोल नहीं सकता, वैसे ही ब्रह्म का दर्शन होने के बाद वाणी में ताकत कहाँ कि ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर सके। जैसे सीपी में जगह कहाँ सारे समुद्र को अपने में समा सके, उसी तरह से तुच्छ बुद्धि में, तुच्छ इंद्रियों में ताकत कहाँ जो विशालतम परमात्मा की गंभीरता का वर्णन कर सके। यह तो अनुभव का विषय है। कबीर साहब कहते हैं, मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रे, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखें की देखी। देखा हुआ ज्ञान मजबूत होता है। तो जानना दो प्रकार से होता है, सुन करके और अभ्यास करके। अभी आप लोग सुन करके ईश्वर के विषय में
जान रहे हैं ईश्वर ऐसा ईश्वर ऐसा, लेकिन इतना ज्ञान आपका मजबूत नहीं होगा। जो विधि जो उपाय यहाँ से बतलाया जाएगा कि इस तरह से आपको भजन पर बैठना है, इस तरह से भजन करना है, इस तरह से ध्यान लगाना है, इस तरह से दृष्टि मन को स्थिर करना है, उस तरह से नियम से आप करते रहेंगे तब ईश्वर दर्शन की बात आप कर सकते हैं, तब आपका ज्ञान मजबूत हो जाएगा। देखा हुआ ज्ञान मजबूत होता है। मोहम्मद गोराई सबसे पूछता था, आपने ईश्वर को देखा है, ईश्वर को देखा है, जिसने पाया वही छिपाया, जिन्होंने पाया है जिन्होंने देखा वो कहेगा, कहने वाला है वह ठग है जो कहता मैंने ईश्वर को देख लिया। एक बार अखबार में छपा था, मैंने ईश्वर का दर्शन इतने बज के इतने मिनट में कर लिया है। इसका मतलब वह ईश्वर का दर्शन भी कर रहा था और घड़ी भी देख रहा था। इतने बज के इतने मिनट में वह ईश्वर का दर्शन कर लिया। ईश्वर का दर्शन होने के बाद धर्मशास्त्र कहता है कि ब्रह्म स ब्रह्म विस्वयं, ईश्वर का दर्शन करने वाला ईश्वर ही हो जाता है, तो ईश्वर के समान हो गया। अब जेल में वह फंसा हुआ है तो उनके अनुयायी उनके लिए रो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे महाराज को छुड़ाओ, हमारे महाराज को छुड़ाओ, हमारे महाराज को छुड़ाओ। अब वह ईश्वर कहाँ चला गया, अब वह ईश्वर का ज्ञान चला कहाँ गया, चेले रो रहे हैं। उसी महात्मा ने अपने बेटे के लिए घोषित कर दिया था कि मेरा बेटा भगवान है, साक्षात भगवान कृष्ण ही मेरे घर में बेटा बन करके पैदा लिया है। हजारों लाखों के भारत के धर्मांधी लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, सारे लोग मिलकर एक बार गए APJ अब्दुल कलाम के पास और उनसे कहा कि हमारे गुरु जी के ये पुत्र हैं, साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार हैं, आप भारत के राष्ट्रपति हो, आप अपने मुँह से इनके लिए यह घोषणा कर दो कि साक्षात भगवान के अवतार हैं। मुस्लिम घर में पैदा लिया हुआ वह राष्ट्रपति कितना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं गीता पढ़ा हूँ, गीता का प्रतिदिन अध्ययन करता हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य पर विश्वास है, मैंने ऐसा उनके विषय में पढ़ा है सुना है कि वे 7 साल की उम्र में 10,000 योजन ऊंचा गोवर्धन पहाड़ को एक ही अंगुली पर अपने से उखाड़ कर 7 दिन 7 रात तक रखे रहे। आप लोग भी कथा में सुने होंगे, एक अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ को 7 दिन 7 रात उठाए रहे, इतना सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण को 7 साल की उम्र में। यदि ये सही में भगवान कृष्ण के अवतार हैं तो गोवर्धन पहाड़ की बात तो नहीं करता, 7 क्विंटल का एक पत्थर भी ये 7 मिनट उठा करके रख लेंगे तो मैं घोषित कर दूंगा कि ये श्री कृष्ण के अवतार है। 7 क्विंटल का पत्थर 7 मिनट भी ये उठा करके रख ले, घोषणा कर दूंगा। उनके सामने से सारे धर्मांधी भाग गए, आज वे भी बेचारे आसमान के तारे गिन रहे हैं। वो शक्ति कहाँ चली गई, बहुत सारे अपने को अवतारी घोषित कर रहे हैं भारत में,
ये भगवान के अवतार हैं, ये भगवान के अवतार हैं, ये भगवान के अवतार हैं, भगवान मान करके सारी दुनिया लगी हुई है। और जब बुरे दिन के प्रभाव में वे आते हैं, फंसते हैं, तब भगवदी गुण कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। भगवान श्री कृष्ण का जिस क्षण अवतार हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण तो जेल में अवतार लिए, सबको जानते हैं, जेल में उनका जन्म हुआ। और उनके जन्म होते ही माता पिता की हथकड़ी बेरी खुल गई, जेल के फाटक खुल गए। वसुदेव जी भगवान को मथुरा से ब्रज में पहुंचाए, ये हैं अवतारी पुरुष, स्वतंत्र होकर के अवतार लेते हैं, हथकड़ी बेरी उनको नहीं लगती। जिनके दर्शन से दर्शन करने वाले की हथकड़ी बेरी खुल जाए, माता पिता की हथकड़ी बेरी खुल गई, पढ़िए भागवत में लिखा हुआ है, ये हैं भगवान, इनको कहते हैं अवतारी पुरुष। जिनके दर्शन से दूसरे की हथकड़ी बेरी खुल जाए, अज्ञानता की किवाड़ी खुल जाए, हृदयांधकार दूर हो जाए, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, दिव्यानंद की अनुभूति हो जाए, वसुदेव और देवकी जब से भगवान का दर्शन किया, कंस के कारागार में रहने पर भी उनकी आँख में कभी आंसू नहीं आई है। इतना दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। आज सब रो रहे हैं, रोने का चित्र दिखा रहे हैं। क्यों रो रहे हैं सब? भगवान का दर्शन होने के बाद तो रोना धोना खत्म हो जाना चाहिए, रो क्यों रहे हैं? इससे सिद्ध होता है कि असली दर्शन नहीं, जो दिसे सो तो है नहीं। संत की बात को मान लीजिए आप लोग। यहाँ प्रतिदिन लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि भगवान यहाँ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि भगवान सब जगह है। मेरा विश्वास है कि भगवान सब जगह है। इस सभा में बैठे हुए लोग कह सकते हैं कि यहाँ शिव जी नहीं है। कोई कहे, थोड़ा भी धर्म पर जिनको विश्वास है, थोड़ा भी धर्म ग्रंथ का ज्ञान है, थोड़ा भी सत्संग बढ़िया से सुने हैं, तो जवाब दें कि यहाँ शिव जी हैं कि नहीं है। यदि यहाँ शिव जी नहीं हैं ऐसा बोलते हैं, तो मैं कहूँगा आपको शिव जी का ज्ञान नहीं हुआ। यदि आप कहते हैं यहाँ शिव जी हैं, आप बताइए शिव जी यहाँ पर कहाँ हैं, कहाँ है शिव? यह तो कोई कह नहीं सकते कि शिव जी यहाँ पर नहीं है, कहना ही पड़ेगा। शिव जी एक ही जगह पर नहीं बैठे हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग गा रहे हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म भेद स्वरूपम। यदि ऐसा सही में आप पाठ करते हैं, यदि यह तुलसीदास जी महाराज का लिखा हुआ श्लोक सत्य है, ऐसा आप कहते हैं, मेरा तो विश्वास है कि सत्य है, सत्य है, सत्य है, त्रिकाल सत्य है, भगवान शिव विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं, तो यहाँ भी हैं, तो यहाँ कहाँ पर हैं बताइए। तो आप कहेंगे कि सब जगह हैं, सब जगह हैं तो वो कैसे हैं? सब जगह होने वाला कैसा होगा? जो सब जगह होगा वह कैसा होगा बताइए? यह तो कहना ही पड़ेगा, यदि इस श्लोक को आप सत्य मानते हैं तो कहना पड़ेगा कि ब्रह्म सब जगह हैं, तो शिव जी सब जगह हैं, सब जगह रहने वाला पदार्थ कैसा होगा? काला होगा कि गोरा होगा कि मोटा होगा कि तगड़ा होगा, कैसा होगा वह सब जगह रहने वाला बताइए?
यदि इतना भी ज्ञान इस कुंभ में आकर हो जाए तो कुंभ स्नान का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। इतना भी ज्ञान लेकर के जाएं कि भगवान शिव जी सब जगह हैं तो कैसे हैं, वो देखने में कैसे हो सकते। एक दिन तो शिव जी यहाँ आए भी, मैं बाहर में बैठा हुआ था, भभूत रमा लिया था, वो नकली सांप को गले में लटका लिया था, नकली चंद्रमा को खोपड़ी पर रख लिया था, बाघंबर जैसा पहन लिया था, डमरू हाथ में ले लिया था, त्रिशूल हाथ में रख लिया था, घुस गए पंडाल में। कुछ लोगों ने नमस्कार भी किया होगा, क्योंकि भारत में नमस्कार करने की बहुत ज़बरदस्त आदत है, नमस्कार भी कर लिया, करना भी चाहिए। जब मंदिर में जाकर के नमस्कार कर रहे हैं तो यहाँ करने में क्या है? यदि ये असत्य है तो वो भी असत्य है। आँख से इसको भी देख रहे हैं, आँख से उसको भी देख रहे हैं, आँख से देखा हुआ तो नकल ही होगा, चेतन से तो सब जगह दिखता है, आत्मज्ञान में तो सब जगह एक ही जैसा, इंद्रिय ज्ञान में तो सब जगह नकल जैसा। तो कोई बात नहीं, इतना संतोष हो गया बहुतों को, जो वहाँ है सो यहाँ भी है, वहाँ भी जाकर इंद्रियों से ही देखते हैं, यहाँ भी इंद्रियों से ही देखते हैं। हम कैसे कहें कि ये शिव जी नहीं, देखा तो हमने है नहीं, सुने हैं कि गला पर सांप रखते हैं, माथे पर चंद्रमा रखते हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू रखते हैं, भस्म रमाए हुए हैं, अब वो कैसे हैं कौन कह सकता है बताइए? कौन आदमी दावा कर सकता है? पूरे कुंभ में कौन आदमी दावा कर सकता है कि भगवान इसी तरह के हैं, ठीक ऐसे ही भगवान हैं? भगवान की तुलना किसी वस्तु से की जाए वहीं भगवती गुण खत्म। राम समान राम निगम कहे, राम के समान तो राम ही है, शिव के समान तो शिव ही है, कैसे तुलना करेंगे कि शिव जैसे ही है? शिव पुराण में मैंने पढ़ा, पढ़ तो लेता हूँ सब पुस्तक, पढ़ा है भगवान शिव शंकर शादी के लिए हिमालय जा रहे हैं, बहुत सारे देव बारात के रूप में चले जा रहे हैं, सब देव अपने आप को खूब बढ़िया सजाए हुए हैं, शिव जी को भी सजाया गया है, शिव जी को भूतों ने सजाया, देवता लोग अपने आप से सजाए, जिस देवता की पत्नी होगी वो पत्नी सजा दी होगी, खूब बढ़िया से सज धज करके सब देवता गए हैं हिमाचल के घर, लेकिन एक ही बार में नहीं गए, सारे देवता शिव जी से पहले ही हिमाचल के यहाँ चले गए। सबके मन में यह है कि शिव जी ने तो ऐसा भेष बना रखा है, यदि ये पहले चले जाएंगे तो एक कप चाय भी वहाँ मिलने को नहीं, धक्के मार करके सब भगा देंगे, ये पागलों की बारात, कोई पूछेगा नहीं, इसीलिए शिव जी से पहले हम लोग चले जाएंगे तो थोड़ी बहुत तो खातिरदारी हो ही जाएगी, इसके पहुँचने के बाद तो कुछ होना नहीं है। सब देवता पहुँचे हैं लेकिन क्रम क्रम से, सबसे पहले वरुण देव पहुँचे, मैना सहेलियों के साथ भगवान शिव की परिछन करने के लिए आरती की थार सजा रखी है, सोने की थार में आरती सजा करके भगवान शिव की आरती करने के लिए सहेलियों के साथ में मैना खड़ी है। वरुण देव पहुंचे वहां, मैना
वरुण भगवान को ही शिव जी मान करके आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी। तब तक नारद जी ने कहा, देवी किसकी आरती करने के लिए आगे बढ़ रही हो? कि भगवान शिव की। ये भगवान शिव जी नहीं है, इतने सुंदर देखने में, इससे भी सुंदर हो सकता है? इससे सुंदर अब क्या होगा? नहीं नहीं, शिव जी को अभी कहाँ देखी हो, शिव जी तो इतने सुंदर हैं, उनको देख लेने के बाद कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होगी। ये शिव जी नहीं है, ये वरुण भगवान हैं। मैना को बड़ी श्रद्धा हुई, कहो जिस शिव जी की बारात में ऐसे ऐसे दिव्य सुंदर हैं, वे शिव जी कितने सुंदर होंगे। मैना रुक जाती है, वरुण भगवान को बिठाया गया। उसके बाद कुबेर आए, कुबेर उनसे भी अधिक सुंदर। मैना आगे बढ़ी आरती उतारने के लिए। नारद जी ने कहा, मैना कहाँ आगे बढ़ रही हो, ये भी शिव जी नहीं है, ये तो उससे भी सुंदर है, ये भी शिव जी ने कहा, ये भी नहीं। इंद्र आए, उनकी आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी। मैना को लगा यही शिव जी होंगे, एक से एक दिव्य सुंदर देव। स्वर्ग के देवता में बड़ी दिव्यता होती है, एक से एक दिव्य सुंदर रूप, एक से एक दिव्य सुंदर रूप को शिव जी मान करके मैना आगे बढ़ती, आरती उतारना चाहती है। लेकिन नारद जी कहते हैं, ये शिव जी नहीं, नारद जी संत हैं, संत को परमात्मा के सौंदर्य का ज्ञान होता है, बाकी लोग तो सामान्य सौंदर्य में ही लुभायमान हो जाते हैं। यही भगवान, यही भगवान, यही भगवान। विशुद्ध संत जो होते हैं, उनको भगवान के दिव्य सौंदर्य का अनुभव होता है, ज्ञान होता है। वे जानते ये कहाँ भगवान, ये कहाँ भगवान। को देख लेने के बाद तो फिर कुछ देखने की इच्छा ही नहीं रह जाती है, ऐसा सौंदर्य है। उनकी प्राप्ति होने पर कुछ प्राप्त होने के लिए बाकी नहीं बचता, उनसे मिलने के बाद किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती, उनके तक पहुँचने पर कहीं जाने की इच्छा नहीं रह जाती, मंजिल तय हो जाता है। फिर तो सारी क्रियाएं वहीं जाकर के पूर्ण हो जाती हैं, जिनके दर्शन से समग्र सदक्रियाओं का अवसान हो जाए, उसी को तो ब्रह्म दर्शन कहते हैं। कोई क्रिया वंचित नहीं रह जाती। ब्रह्मा जी आए, सबसे आखिर में विष्णु भगवान आए, वे तो सबसे सुंदर हैं। मैना आगे बढ़ी आरती उतारने के लिए। नारद जी ने कहा, यह भी शिव जी नहीं। मैना सोचे, बड़ी विचित्र बात, ये भी शिव जी नहीं, ये भी शिव जी नहीं। सबसे आखिर में शिव जी वृषभ वाहन पर सवार होकर के चले आ रहे हैं। नारद जी मन में सोचते हैं, भगवान क्या लीला किए हुए हैं, यदि भगवान इस रूप में वहां प्रकट होंगे तो मैना की श्रद्धा टूट जाएगी। हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभो ये क्या ये नाटक किए हुए हो, बाघम्बर पहने हुए हो, सांप के माला पहने हुए, मुंड माला धारण किए हुए, भस्म रमाए हुए हो। महाराज आप अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करो। नारद जी की प्रार्थना करने पर भगवान का दिव्य रूप प्रकट हुआ। जैसे ही भगवान दिव्य रूप में आए, नारद जी से कहते हैं, हमारे इस रूप को मैना देख पाएगी, देखे चाहे नहीं देखे, महाराज चलो।
मैना के सामने जब हरू प्रकट होता है, मैना की आंखें बंद हो गई, मैना मूर्छित होकर के गिर गई। चांद सोने की थाल में जो आरती सजा रखी थी वो थाल वहीं गिर गई, आरती की थाल बुझ गई। अब आरती कौन करे, परिछन कौन करे, दर्शन कौन करे। है तो बहुत आध्यात्मिक बात, लेकिन लोग कहते हैं कि मैना डर गई, थाली गिर गई, मूर्छित हो गई। बात तो यह है कि ब्रह्म का दर्शन होने के बाद सारी क्रियाएं समाप्त हो गई, कुछ बाकी नहीं रह गया। अर्थात ब्रह्म का दर्शन हो जाने के बाद जीवत्व दशा समाप्त हो गया, ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई। अब कौन दर्शन करेगा, दृष्टा और दृश्य एक हो गया। महर्षि रमन को भक्तों ने शिव जी के मंदिर में ले गए। महाराज इतने बड़े महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आते, बहुत आग्रह करने पर मंदिर में गए, चुपचाप खड़े हैं। सबों ने देखा, इन्होंने तो प्रणाम नहीं किया, सबों ने प्रणाम किया। महाराज आप प्रणाम नहीं कर रहे हो। महर्षि रमन ने कहा किसको प्रणाम करूं, बता मैं किसको प्रणाम करूं, भगवान को प्रणाम करो, किस भगवान को प्रणाम करो, शिव भगवान को प्रणाम करो। महर्षि रमन ने कहा यदि भगवान हमसे एक इंच भी अलग हो तो तू सिद्ध करके बता दे। प्रणाम तो उनको किया जाए जो हमसे अलग हो, यदि वो हमसे एक इंच भी अलग हो तो तू बता दे। आत्मा से परमात्मा के बीच की दूरी कितनी है ये दूरी तू बता दे, फिर प्रणाम की क्रिया होगी। दूरी बता। अग्नि और अग्नि में जो दाहक शक्ति है उसकी दूरी कोई बता दे। मिठाई और उसमें जो मिठास है उसकी दूरी कोई बता दे। बर्फ और उसमें जो शीतलता है उसकी दूरी कोई बता दे। बर्फ वहां रखा हुआ है, शीतलता यहाँ अनुभूत हो रही है, लेकिन इस शीतलता और बर्फ की दूरी बीच में कितनी है कोई बता दे। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी कितनी है कोई बता दे। ताज्जुब होगा फिर दर्शन कहाँ होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिस कारण से दूरी बन गई है। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास में रहते भी है कितनी दूरियां। एक ही घर में बाप बेटे रहते हैं लेकिन विचार में मेल नहीं, तो लोग कहते हैं देखिए बाप बेटे में मेल नहीं है, इतनी दूरी हो गई है। एक ही घर में रहते हैं लोग कहते हैं देखिए बाप बेटे में कितनी दूरी है। एक ही घर पति पत्नी में मेल नहीं, लोग कहते हैं देखिए दोनों में मेल नहीं, एक ही पलंग पर दोनों सोते हैं कहते हैं मेल नहीं, आपस में कितनी दूरी हो गई है। एक ही घर में है, एक ही पलंग पर है, दूरी हो गई। वैचारिक तालमेल नहीं होने के कारण एक ही घर में एक ही जगह रहने पर लोग कहते हैं दूरी हो गई, यही दूरी है। प्रेम का अभाव, यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं। दूरी क्या है आत्मा परमात्मा के बीच? आत्मा इंद्रियों के प्रवाह में अपनी शक्ति को बहिर्मुखी बना दिया, इंद्रियों में आत्मा की शक्ति प्रविष्ट नहीं हो, यह आत्मा अपनी शक्ति को अपने में ही केंद्रित कर ले, आत्मा में उस परमात्मा से मिलने के लिए प्रबल प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। प्रेम का अभाव ही दूरी है। जब तक संसार से प्रेम होगा
दूरी नहीं रहने पर भी मिलन नहीं होगा। जब संसार का प्रेम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वह दूरी एक क्षण में खत्म। महर्षि रमन ने कहा, दूरी बता दे तो मैं प्रणाम करूं। बड़ी मुश्किल से तो दो से एक बन पाए हैं, फिर एक से दो करना चाहते हो? यह है ब्रह्म ज्ञान। सर्वत्र समदर्शिनाम, ब्रह्म हमसे अलग हो तब तो, लक्ष्मी पति नहीं दोसर को, काके पाँव परों। हर समाजी लोग एक भजन गाते हैं, अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊँ मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा मिलाऊँ मैं, करूँ किस तौर आवाहन कि तू मौजूद हो हर जान, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊँ मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊँ मैं। न बाहें हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊँ मैं। तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊँ मैं। यह है ईश्वरी ज्ञान, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। इस जन्म में यदि इतना भी ज्ञान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैना को होश नहीं रह गया कि भगवान कैसा, भगवान में ही लीन हो गई देख। लेकिन संत बताते हैं कि ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये हैं भगवान, ये संत ही कह सकते, दूसरा कोई नहीं कह सकता। हम संसारियों की बात मान करके भगवान मान रहे हैं, ये भगवान है। जो कह रहे हैं कि ये हैं भगवान दर्शन करो, तो पहले तो हम उन्हीं को देखते हैं, पहले वहीं थर्मामीटर लगाते हैं, ठीक है महाराज दर्शन कराओ। तो पहले यदि दर्शन करना है, जल्दी जल्दी दर्शन करना है, तो 51,000 के रसीद कटा लो, वही कहेगा। फिर शास्त्र कहता है त्वाम अकिंचन गोचरम, भगवान का दर्शन अकेले में होता है और कोई साथ में नहीं होना चाहिए। साथ में यदि रह करके कोई दर्शन कर रहा है वो नकली दर्शन, भगवान का दर्शन अकेले में और संसार का दर्शन सबके साथ में। यदि दर्शन के समय और कोई साथ में है, समझ लीजिए नकली दर्शन। असली दर्शन अकेले में होता है। दर्शन करने वाले के पास और कुछ है तो समझिए नकली दर्शन। दर्शन करने वाला ही केवल होना चाहिए, उसके पास और कुछ भी नहीं होना चाहिए। त्वाम अकिंचन गोचरम, कुंती कहते हैं प्रभु आपका दर्शन अकिंचन ही कर सकता है। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके अंतःकरण में संसार का सर्वथा अभाव हो। संसार से जो अपने को रहित कर लिया, संसार के लिए जो बिल्कुल कंगाल हो गया है, ऐसे कंगाल ही ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। थोड़ा भी सांसारिकता मन में है वो दर्शन नहीं कर सकता। रामकृष्ण परमहंस कहते थे धागा में छोटी सी गिरह रहने पर भी वह छेद में प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह से मन में संसार के लेश मात्र भी आकर्षण रहने पर ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता है। दर्शन तो ऐसा होता है, एक जन्म में ज्ञान भी हो जाए ब्रह्म का तो भी समझिए बात बन गई। बहुतों को तो कितना जन्म लग जाएगा ब्रह्म को जानने में, भगवान को जानने में। यहाँ तो वही चर्चा हो रही है, बहुत नए नए लोग आते हैं तो जहाँ का विषय होता है वहाँ से शुरू करने पर उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए विषयों को सही जगह पर पहुँचाने के लिए भूमिका बतलानी पड़ जाती है। विषय तो था तुषाराद्र संकाश गौरंग गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम,
स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। चलिए जब विषय है तो बस एकाद शब्द पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। यदि आप सारे लोग कल शाही स्नान के समय आएंगे, शाही स्नान कल है, सबसे बड़ा स्नान, जिससे बड़ा कोई स्नान नहीं, जिस स्नान के बाद पवित्रता के लिए कुछ बाकी ना बच जाए, जिस स्नान में इतनी पवित्रता आ जाए कि जीवन में कभी स्नान नहीं भी करना पड़े तो पवित्रता कभी कम नहीं हो, वह है शाही स्नान। शाही स्नान करने के बाद भी दूसरे दिन स्नान करना ही पड़े, तीसरे दिन भी स्नान करना ही पड़े, ये सब ऐसे ही हैं। मैं तो विश्वास दिलाता हूँ यदि कल का सत्संग आपने यहाँ सुन लिया तो सबसे बड़ा शाही स्नान हो जाएगा, सबसे बड़ा स्नान। परम पवित्र परमात्मा का परोक्ष ज्ञान भी ठीक ठीक हो गया, समझिए शाही स्नान। परमात्मा के विषय में तो सुनने में भी जीवन में पवित्रता आ जाती है। देखिए अभी आपके मन में कुछ हो रहा है, आपका मन कितना पवित्र है, जिसके विषय में सुनने मात्र से पवित्रता आ जाए, जिसके विषय में सुनने मात्र से चित्त पवित्र हो जाए, जिसके विषय में सुनने मात्र से आत्मा निर्मल हो जाए, जिसके विषय में सुनने मात्र से इंद्रियों की मलिन धाराएं बंद हो जाएं, जिनके विषय में सुनने मात्र से विकारों की प्रबलता शांत हो जाए, जिसके विषय में सुनने मात्र से विषय की वासना मर जाए, उस ब्रह्म का ज्ञान होने पर कितनी पवित्रता आएगी कहा नहीं जा सकता है। उस ब्रह्म का यदि ज्ञान हो जाए, सुन करके भी ठीक ठीक हो जाए, तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को शाही स्नान का फल मिल जाएगा। वहाँ तो स्नान करने के लिए कल क्या क्या होगा स्नान करने वाले ही जानेंगे, लेकिन यहाँ आपको जो दिव्यता, जो पवित्रता का अनुभव होगा, उस पवित्रता में बीच में कोई व्यवधान नहीं आएगा। चुपचाप अपनी अपनी जगह पर सब आराम से बैठे रहेंगे, पंखा भी चलता रहेगा, बल्ब भी जलता रहेगा, आराम से सब बैठेंगे और बिना पानी के ही न जाने किस संत ज्ञान रूपी अमृत में आप लोगों को अवगाहन कराया जाएगा कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है वहाँ नहाने से थोड़ा बहुत अमृत का लाभ होता है, पता नहीं अमृत किसको कहते हैं, अमृत किसको कहते हैं पता नहीं। संत बचन वह सुधा देव भी जिसके सदा अधिकारी, संत बचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी, मर्त्य अमर कर देने वाला वह संजीवन रज है, संत बचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है, वेद शास्त्र अनुभूत तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का वर वरद वचन वह मंगलमय निर्भय है, दूर असत से कर सतपत की ओर लगाने वाला और मर्त से छुड़ा अमरता तक पहुँचाने वाला, तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सचिन में उस परम धाम का संत वचन सचमग है, कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सुत देवर से बन गया जीवन हुआ सफल है, उसी संत के प्रवचन ने यह चमत्कार दिखलाया, दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया, अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, मान उसी को बालक ध्रुव ने हरिका ध्रुव पद पाया, एक लुटेरा था जो वन में मान संत की वाणी, वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। राम के जन्म से पहले ही राम के चरित्र को वाल्मीकि मुनि ने लिख दिया, पढ़िए वाल्मीकि रामायण, इतने बड़े ज्ञानी हुए,
जन्म नहीं हुआ था, रघुवंश के सारे चरित्र को उन्होंने लिख दिया। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी, कहाँ से वह ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ से उसके जीवन में वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? संत वचन, संत वचन वही अमृत है। कहाँ आप लोग अमृत के लिए भटक रहे हैं? दुनिया में तो जहर का ज्वाला फैल रही है, सत्संग में आने से ही अमृत का ज्ञान होगा। अमृत किसको कहते हैं? यह वचन ही अमृत है। इसके बाद और भी अमृत की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है और होती रहेगी। तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम, तुषार कहते हैं बर्फ को। बर्फ से जो सदैव आर्द्र रहता है उसी को तुषाराद्रि कहते हैं। तुषाराद्रि का अर्थ होता है हिमालय। संकाश, संकाश का अर्थ होता है कांतिमान, द्युतिमान, प्रकाशमान, तेजस्वी। हिमालय पहाड़ के समान जो दिव्य कांतिमान है, भगवान शिव का स्वरूप बतलाया। तुषाराद्र संकाश गौरम, हिमालय पहाड़ के समान अत्यंत देदीप्यमान गौरवर्ण के। गौरवर्ण क्या है? बिल्कुल उजला, जिसमें बिल्कुल धब्बा है ही नहीं, कोई धब्बा नहीं। अर्थात उजला का भाव है प्रकाश से। भगवान शिव कांतिमान हैं, देदीप्यमान हैं, प्रकाशमान हैं। प्रकाश से उनका स्वरूप है, विकारों की धब्बा से रहित, वासना की धब्बा से रहित, बिल्कुल निर्मलता का प्रतीक, बिल्कुल विशुद्धता का प्रतीक, बिल्कुल पवित्रता का प्रतीक। अत्यंत विशुद्ध, अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र को ही गौरम कहा गया है। उजला यह जो है सात्विकता का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है, विशुद्धता का प्रतीक है। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत देदीप्यमान, हिमालय पहाड़ के समान उज्जवल, निर्मल, स्थिर, जिनकी दिव्यता, जिनकी निर्मलता, जिनकी पवित्रता स्थिर हो। संसार के लोगों का जो गौर शरीर होता है, 10 साल 20 साल के बाद शरीर पर न जाने कौन कौन से धब्बे आने लग जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। हिमालय की तुलना दी गई है, वह स्थिरता का प्रतीक है। परमात्मा का सौंदर्य जो है वह स्थिर है, बाकी संसार का जो सौंदर्य है वह चलायमान है और बदलने वाला है। शरीर का सौंदर्य बदलने वाला है, परमात्मा में जो सौंदर्य है, ईश्वर में जो सौंदर्य है, ईश्वर में जो दिव्यता, निर्मलता, पवित्रता है वह स्थिर है। इसीलिए हिमालय की तुलना की गई। तुषाराद्र संकाश गौरम, अभी इतना ही आप लोगों को सुनाया। गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, यह सब आप लोग कल सुनिएगा। यहाँ समय पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, 6:30 बजे से 7:30 बजे फिर यहाँ पर सारे भक्तों को ध्यान कराया जाएगा। यहाँ केवल उपदेशात्मक सत्संग ही नहीं होता, यहाँ प्रयोगात्मक सत्संग होता है। जो उपदेश दिया जाता है उन उपदेश के अनुरूप 4 बार यहाँ पर प्रयोग भी कराया जाता है। 4 बार सारे भक्त लोग यहाँ बैठकर आँख मुँह को बंद कर ध्यान लगाते हैं। ध्यान में जो उपदेश दिया जाता है उस स्वरूप का अंदर में भक्त लोग चिंतन करके अनुभव करते हैं। इसीलिए इस गर्मी में भी ये सारे भक्त लोग स्थिर होकर के सत्संग का आनंद ले रहे हैं।
और सड़क पर देख रहे हैं सबको मच्छर खा रहे हैं, कोई स्थिर है? नदी में नहाने वाले घूम रहे हैं, मंदिरों में दर्शन करने वाले सड़कों पर डोल रहे हैं, लेकिन जो ध्यान लगा रहे हैं वो यहाँ पत्थर की तरह बैठ करके सत्संग का आनंद ले रहे हैं। असली दर्शन की बात भी सुनने को मिले तो जीवन में स्थिरता आ जाती है, नकली दर्शन में चंचलता बनी ही रहती है। देख लीजिए सबकी हालत। अब हमारे गायक जी से एक भजन सुनिए, रात में खूब बढ़िया बढ़िया भजन ये गा करके सुनाते हैं, 7:30 बजे से 8:30 बजे भजन का कार्यक्रम चलता है।